सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ये तो चमत्कार हो गया, बंद सांसें फिर से चलने लगी। इनको चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इट्स रियली अ मिरेकल। ये सब मैंने मुरली मनोहर का किया है, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे इतने सालों की पूजा का फल दिया है उसने। माँ, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस इतना याद है कि मैं सांप के पीछे थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं है। गॉडनेस, जो लड़की को ठीक से चल भी नहीं सकती वो मौत के मुंह से वापस आ गई। अभी बकवास बंद करो। डॉक्टर साहब, हम सोना को घर कब ले जा सकते हैं? जी ने आप तुरंत ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इन्हें बहुत ही रेस्ट की जरूरत है और इन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पूरा ध्यान रखेंगे अपनी सोना का। मासी जी, घर जाकर ना राई मिर्च नमक से इसकी नजर उतारेंगे। हाँ। और नया काला धागा भी बनाएंगे। हाँ। जिसका भी पूरा साया होगा ना वो सब उतर जाएगा। सोना, ये पंखा भी अभी बंद होना था, लाइट गई है क्या? चश्मा पहनने के बाद भी सब कुछ धुंधला क्यों नजर आ? लगता है मेरा मेंटल स्ट्रेस ना आंखों तक पहुंच गया। से तो मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है, ये टेढ़ी यमुना कैसे पहने लग गई? राजू, किसे चोरी कहते हैं चोरी? पर तुझे अचार इतना पसंद है तो मांग के खा लेना। तेरी छोटी सी बुद्धि में ना तेरी बड़ी सी बात नहीं आएगी। जो मजा चोरी करके खाने में ना दिल को सुकून मिलता है, मांगने में क्या मजा है? चल, हाँ, चल चल। अरे वाह, अब तो मुझे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब है अब बिना चश्मे के नीले अक्षर गाय बराबर नहीं होगा। क्या बात है मुरलीधर, आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लो, लग गई लंका। अबे बढ़ने चिकनी थी यार, हाथ से छूट गई। चल कोई बात नहीं। क्या चाल बनाती है यार चाची? इतनी रात को कौन तुझसे सो रहा है? ए राजू, ये बहुत हो गया खतरों के खिलाड़ी, अब चलना तो फंस जाएंगे। इसे भी अभी बंद होना।
राजू कोई आ रहा है, इससे पहले कि हम फंस जाए निकलते हैं यहाँ से। हमें ये तो सोना है, वो भी बिना चश्मे की। इसे कुछ नहीं दिखने वाला, चल कर। तो बिना चश्मे के भी सब कुछ दिख रहा है। अरे ये तो अपनी तरफ ही आ रही है। अबे इसे तो सच में सब कुछ दिख रहा है। यही आ रही है। भाग ले साले भाग। ये क्या है? मरवाएगा मुझे। लगता है कोई है यहाँ पे। मैंने तो अचार कहा ही नहीं। इसे कहते हैं चोर के बालों में जुए। रुक तो अभी बता। अरे छोड़। मास्टर जी फू जल्दी। अरे घोड़े बेचकर सो रहे हो, आपको एक खटर पटर की आवाज सुनाई नहीं दे रही, उठो ना जल्दी। चूहा हुआ होगा, मशीन चला के धागा सागा। अरे जिसे आप जुआ समझ रहे कहीं वो चोर ना निकल जाए। जल्दी उठो, जल्दी उठो। चोर जल्दी देखो और सुनो, हाथ में झाड़ू लेकर जाना। मार खाकर नहीं, मार पीट कर आना। राजू के बच्चे, रुक तो जा, अभी बताती हूँ, अभी दिखा दू। चोर, अभी नानी याद दिलाता हूँ मशीन चला के। कहाँ है? अरे सोना बेटा तू? पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा, वो राजू आया था अचार चुराने, देखिए ना ये सब उसी का किया धरा है, सारा अचार खराब कर दिया उसने। अरे सोना बेटा तेरा चश्मा कहाँ है? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे बिना चश्मे के भी सब साफ साफ दिख रहा है। लगता है मुरली वाले ने मेरी सब सुन ली। सच में बेटा आज तो मुरली वाले ने हम सब की सुन ली। आज तो तूने डरा ही दिया था, हमें लगा कि हमारे जीने का मकसद ही छीन लिया है भगवान ने। जब डॉक्टर ने बोला कि तुम, पापा वो एक बुरा सपना था, ऐसा समझ के उसे भूल जाइए। अभी तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना, एकदम फिट एंड फाइन है ना? हाँ फिट फाइन और एक और फैंटास्टिक। हाँ। मशीन चला के। लेकिन पापा मुझे लगता है माँ सही कहती है, मुझे ना ये रिपोर्टिंग विपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। आज पहला असाइनमेंट था और ये सब हो गया। अरे कैसी बातें कर रही है बेटा, अरे डर के आगे ही तो जीत है। अगर डर के तुम घर में बैठ गई तो साहस के साथ बाहर कदम कैसे रख पाओगी? और सब तुझे डप्पू सोना। हाँ तुम्हें सब डप्पू सोना बोलेंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तो बस मैदान छोड़कर भागने की नहीं, अव्वल आने की बात करनी है। आग में तप कर सोना बनता है, तू चिंगारी से नहीं डर सकती। हाँ हाँ पापा आप सही कह रहे हैं, मुझे चिंगारी से नहीं डरना चाहिए।
थैंक यू पापा। चल बेटा। चलिए पापा। बहुत हो गई। सच का सामना नहीं किया, आस्तीन के सांप का खुलासा। पिटारी से निकला नकली ढोंगी बाबा, वाह! अब सच का सामना बनेगी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वेबसाइट। यस सर। थैंक्स सर। आपको पता है ये सब कितना डिफिकल्ट था? मुझे तो उस बाबा को देखकर ही पता लग गया था कि वो एक नंबर का ढोंगी है। आपको पता है मैं स्टेज के पीछे गई और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया और मैंने कैसे तैसे सांप के बारे में पता किया। और सर पता है ये कितना रिस्की था मेरे लिए, पर फिर भी मैं डरी नहीं सर। सर ये एकदम झूठ बोल रही है, ये सारी की सारी न्यूज ब्रेक सोना ने की है और वो भी अकेले विदाउट एनी हेल्प। और सर जो ये कह रही है ना बाबा के पीछे गई है स्टेज के पीछे इसको सांप पता चला, वो सिर्फ और सिर्फ इसे पता चला, क्रेडिट उसको जाना चाहिए सर, इसको नहीं। इसे? यस सर। एंड सर ट्रस्ट मी, इसने अकेले अपनी जान पर खेल कर सब कुछ रिकॉर्ड किया। Yes, sir. I'm proud of you, Surya. सोना सर, कल बताया था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, दिखा मुझे रिकॉर्डिंग की कहानी, कहाँ है? क्विक क्विक फास्ट फास्ट, कहाँ है रिकॉर्डिंग? जी सर। देखिए देखिए सर। इसमें कुछ आ क्यों नहीं रहा? ओह क्रिश, देखो ना। जब रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस ही नहीं किया होगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? क्या रिकॉर्डिंग नहीं हुई? रिकॉर्डिंग नहीं हुई? मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन तुम निकली लंगड़ा घोड़ा, इतनी बड़ी न्यूज का सत्यानाश किया। सबके सब निकल जाओ, सबके सब बाहर, और तुम तो नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दो, आउट। कॉलिंग नहीं, सर। वो सर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या सर? नई लड़की है, गलती हो सकती है सर, मतलब एक चांस और दे दो सर प्लीज। नहीं सर, अब पहली बार मिस्टेक हुई है, नई लड़की है सर, बट शी इज ब्रिलियंट, ट्रस्ट मी। ठीक है, वन लास्ट चांस। थैंक यू सर। लेकिन अगली बार गलती की तो आउट सौम्य। तो सोना सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पानी शो यार। सोना तुम तो बहुत लकी निकली यार, मेरा मतलब तुम पीपी सर के ऑफिस में गई और छोटी मोटी डांट खाकर वापस आ गई। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे पहले दिन पे मुझे डांट के साथ था चाय का शिकार भी बनना पड़ा था। चाय का शिकार बनना पड़ा था मतलब ये कि पीपी सर को मेरी स्टोरी इतनी गंदी लगी थी कि उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने मेरे ऊपर चाय फेंक दी थी। क्या बात कर रहे हो, सच में चाय फेंक? और नहीं तो क्या, वो तो अच्छा है हमारे ऑफिस में चाय गरम नहीं मिलती, वरना सोचो मेरा क्या होता। और फिर क्या किया तुमने? बस फिर मैंने मामला सेट कर दिया। कैसे? एक शैतानी दुल्हन की शादी की स्टोरी लाकर। क्या इंप्रेस हुए थे पीपी सर मुझसे? हाँ एग्जैक्टली। बस अब ऐसे ही अपने फेस पे मुस्कुराहट रखो, चेहरे से अपने आंसू पोंछो। इतना डिफिकल्ट नहीं है यार जितना तुम सोच रही हो। सिर्फ एक जैसे वो बोलते हैं ना सनसनी खबर, वो बस लेके आ जाओ, फिर देखो कैसे तुम्हारे आगे पीछे लट्टू घूमते। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू। कीप इट।
तुम्हारे पहले दिन का गिफ्ट। मास्टर जी, हम ना पनीर की सब्जी और खीरे का रायता बना रहे हैं, आप खा लेंगे ना? कोई नाटक तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बस साथ में आलू के पराठे भी बना लेना, और हाँ अभी अपने हाथ से बनी लौंग इलायची की चाय पिला दो। पिला देंगे, पहले जाकर दही ले आओ। अरे मास्टरनी जी वरी नॉट, अभी हम ना बिना रायते के ही खाना खा लेंगे, तुम बस चाय पिला दो हमें, नहीं तो मास्टर जी के धागे धागे हो जाएंगे। वैसे मास्टर जी, ये रायता हम आपके लिए नहीं, मेरी सोना के लिए बना रही हूँ, आप ना जाकर दही ले आओ। जाओ। मास्टरनी जी हाथ जरा संभाल के। माँ। अरे बिटिया तू सही समय पे आई है, एक काम कर पैसे ले और दही ले के आ, हाँ? देख तेरे पापा कितने बिजी चल रहे हैं आजकल। हाय कैसे पाप हो आप, इतनी नाजुक सी गली को आप इतनी रात दुकान भेजोगे? हाँ भेजूंगा, नाजुक नहीं बलशाली है, है ना बेटा? सोना जा बेटा जल्दी लेके आ दही। जी बाप। अरे सोना सुन, ये भी ना मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मदद मांग रहा है? बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। बचा मुझे, जाने दो मुझे, क्यों परेशान कर रहे मुझे? परेशान तो तू अंदर कर रहा, बताता क्यों नहीं है कि 800 साल पुरानी सांप की खाल कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो खाल कहाँ है। रुक रुक रुक। सर ये मिल गई सांप की खाल। ये पाप है, तुम इसे नहीं ले जा सकते, बड़ी ही सिद्धि से इसे मैंने हासिल किया है। तो चाहिए था मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़िए इन्हें। नहीं मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी।
इस लड़की को क्या हो रहा है? साथ हुआ था वो सच था या कोई सपना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे मुरली वाले, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना। पांच सौ साल पुरानी सांप की केचुली जल्दी तो मुझे, मैं उसे इस नक्शे पर रखूंगा और फिर मुझे पता चल जाएगा कि नागमणि कहां पर है। आज वो नागमणि मेरे इन हाथों में होगी, इन हाथों में। जल्दी दो मुझे। माफी शेष सर्प, मैं आपके लिए सांप की केचुली लाने में असमर्थ रहा। असमर्थ कैसे? जी वो केचुली एक कन्या में समा गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो कोई और नहीं, नाग कन्या है, नाग देव का सुशेष। अब ये मेरा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जिसके अंदर 800 साल पुरानी केचुली समा गई? उसके तह तक तो जाना ही पड़ेगा। कौन है वो नाग कन्या?